हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। और दोस्तों बता दें कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दो दिन कोई भी उड़ान नहीं हुई, 14 तारीख और 15 तारीख को, और फाइनली आज से जो है वो उड़ान शुरू कर दी गई है। अब दोस्तों बता दें कि कुशीनगर की ये डोमेस्टिक उड़ान है, और अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई इन सभी देशों में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। अगर आपका भी सपना है कि आप भी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरे या फिर यहाँ पर उतरे, तो आपका जो सपना है वो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। दोस्तों बता दें कि सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई इन सभी देशों के साथ कुशीनगर भी जुड़ेगा, क्योंकि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और आसपास के जितने भी पड़ोसी जिला के लोग हैं, चाहे वो देवरिया हो गया, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, गोपालगंज, सिवान, चंपारण आदि जिला के बहुत सारे लोग कमाने के उद्देश्य से जितने भी अरबियन कंट्री हैं सभी देशों में गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कमेंट कर कि आप कहां से हैं और इस टाइम किस देश से इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों बता दें कि जब कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जिस दिन उद्घाटन हुआ था, उस दिन सभी के चेहरे पर एक खुशी का माहौल था कि अपने ज़िले में, अपने पड़ोसी ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू हो गया है और बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ पर उतरेंगे। लेकिन एक साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यहाँ से नहीं हुई है। लेकिन फाइनली दोस्तों बात करें तो वक्त आ चुका है जब कुशीनगर सीधे सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई से जुड़ेगा। जब भी आप लोग आते हैं, जितने भी लोग सऊदी अरब, कुवैत में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर लखनऊ या फिर दिल्ली आते हैं। लेकिन अब फाइनली जब यहाँ से सीधे उड़ानें होंगी तो आप लोग सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अब आखिरी सवाल ये बनता है कि आखिर कब तक यहाँ से उड़ानें होंगी विदेशों के लिए। तो दोस्तों बता दें कि बहुत ही जल्द यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने पत्र लिख दिया है, जो नागर विमानन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उन्होंने कहा था कि इसे जो है वो कुशीनगर को जल्द से जल्द जद्दा से जोड़ा जाए, साथ में जितने बौद्धिस्ट कंट्री हैं उनके साथ जोड़ जाए, ताकि कुशीनगर में एक जो पर्यटक स्थल है कुशीनगर, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, तो यहाँ पर बौद्धिस्ट लोग आए और अपना जो यहाँ का पर्यटक है उसका विस्तार हो, साथ में इधर के जितने भी लोग कमाने के उद्देश्य से गए हैं उन सभी लोगों को जो है वो एक अच्छी राह मिले और यहाँ पर वो लोग सीधे अपने ज़िले पे एयरपोर्ट पर उतरे। लेकिन अभी तक वहाँ से पता नहीं कोई अपडेट आया कि नहीं आया। डीएम जो यहाँ के सांसद साहब हैं उन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दिया कि किस तरह से, मतलब कि वहाँ से कोई रिप्लाई आया है कि नहीं आया। बाकी दोस्तों आप जब भी पत्रकारों से बात होगा तो उनसे पूछा जाएगा कि किस तरह से जो है वो जो आप पत्र लिखे थे एयरपोर्ट के बारे में उसका क्या समाधान हुआ। बाकी मतलब ऐसा लगता है कि अब बहुत ही जल्द कुशीनगर शुरू हो जाएगा, लेकिन एक दो महीने के अंदर में तो नहीं लगता है, लेकिन एक दो महीने के अंदर में हो सके तो कुशीनगर जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री हैं उनके साथ जुड़ेगा। अब बौद्धिस्ट मतलब कि बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या सऊदीया के साथ नहीं जुड़ेगा और कतर और दुबई, ओमान के साथ नहीं जुड़ेगा, तो जुड़ेगा, जरूर जुड़ेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है। बाकी अगर बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि टिकट बुकिंग का वगैरह, तो टिकट बुकिंग कोई नहीं हो रहा है, सिर्फ दिल्ली के लिए टिकट बुक यहाँ से होता है।